हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स इन जस्ट वन मंथ। ठीक है, तो अगर तुम 2021 के स्टूडेंट हो, तुमको अभी तक ये पता नहीं है कि यार हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कब होने वाले है ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंड ऑल, बट हमको ये पता एटलीस्ट होना चाहिए कि जब यार एग्जाम डेट शीट रिलीज होगा उससे यार एक महीने के अंदर कैसे हम अपने जो हिस्ट्री एंड सिविक्स है इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम नंबर। एक बात यार ध्यान रखना, ठीक है, इधर एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट्स है, इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, रिड्यूस सिलेबस है एंड फर्दर रिड्यूस या फिर रिडक्शन सिलेबस है, बट हम सब कुछ लेके इस वीडियो के अंदर एक डिटेल्स में यार बात करने वाले हैं, प्लस क्या क्या करना चाहिए तुमको। ठीक है, एक बात यार सब लोग सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री में अगर तुमको अच्छा मार्क्स मिला तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा परसेंटेज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी को मिला के हमारे जो फाइनल परसेंटेज है वो आईसीएसई के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑन दैट केस सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री अच्छा करने से नहीं होगा, ज्योग्राफी भी तुमको अच्छा करना पड़ेगा। मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि 95 मिनिमम, ठीक है, 95 सबको, भैया हमको नहीं मिलेगा यार, हम बहुत खराब स्टूडेंट। देखो यार, चाहे तुम खराब हो चाहे तुम अच्छा हो, ठीक है, एटलीस्ट 95 किस तरीके से मैं सबको लाता हूं या फिर ले आऊंगा तुम्हारे लिए, इस वीडियो एंड तक देखना, तुमको एटलीस्ट पता चल जाएगा क्या क्या तुमको करना है क्या तुमको नहीं। बट बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो यार, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ठीक है, तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, मैं जिसका जवाब नहीं दे पाता हूं, तो मैं अभी से यार उन सारे जवाब जो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है, आकाश टॉक्स, उधर जाके दूंगा, छोटे छोटे वीडियो बना के, जो वीडियो सिर्फ उधर ही आएगा, जाके यार फॉलो कर लेना। एंड राइट नाउ अगर तुम जेईई मेंस एस्पिरेंट हो एंड अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो कुछ सेकेंड्स तुम्हारे लिए है फॉर गेटिंग सम न्यू काइंड ऑफ न्यूज। अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई या फिर आईसीएसई, एंड अगर तुम जेईई मेंस को सीरियसली ले रहे हो, ऑन दैट केस अ न्यू कोर्स दैट हैज बीन लॉन्चिंग बाय अनअकैडमी, एंड कोर्स का नाम है यार सुपर स्ट्राइकर फॉर क्लास 10। तो भाई इस कोर्स का क्या क्या फायदा होने वाला, स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर अलोंग विद बोर्ड प्रिपरेशन, द कोर्स इज गुड फॉर बोर्ड एज वेल एज जेईई फाउंडेशन एंड फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। इफ यू आर टेकिंग दिस कोर्स इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू इंक्रीज योर बोर्ड परसेंटेज ऑल्सो, बिकॉज इट ऑल्सो कवर पी क्यू वाई सेशंस, जो चाहे तुम किसी भी यार बोर्ड से हो, ये तुमको यार पी क्यू वाई सेशंस या फिर लास्ट कुछ इयर्स के क्वेश्चंस करवा के तुमको बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर देगा अलॉन्ग विद जेईई मेंस। सो चेक डिस्क्रिप्शंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो यार ये सब तो हो गया, ठीक है, बट राइट नाउ किस तरीके से हम ये परसेंटेज अचीव करेंगे हम ये लेके भी बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अवर हिस्ट्री वी हैव पार्ट वन एंड पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन 30 मार्क्स एंड पार्ट टू 50 मार्क्स के होते हैं, बट राइट नाउ मैं तुमको ये टारगेट बोल रहा हूं कि राइट नाउ अभी से आज से सिर्फ और सिर्फ पार्ट वन को यार टारगेट कर लो। ठीक है, पार्ट वन को यार टारगेट कर लो। क्यों? क्योंकि यार पार्ट वन एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर तुम 30 में 30 एकदम आंख बंद करके उठा सकते हो। ठीक है, पार्ट टू से काफी कवर मार्क्स कट भी होते हैं, बट पार्ट वन से यार अगर सही से तुम जो नोट्स मैं प्रोवाइड किया था, ठीक है, वो नोट्स अगर करके जाते हो, ठीक है यार, तो तुमको एक अच्छा मार्क्स ऑब्वियसली मिलेगा। देखो यार, लास्ट 2 साल से यूट्यूब के अंदर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तुम लोग तीसरे बैच हो मेरा यूट्यूब में, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, इतने सारे आईसीसी के बच्चे को पढ़ाया, प्लस मैंने नोट्स तुमको प्रोवाइड किया। ठीक है भैया, नोट्स कहां पर मिलेगा? देखो यार, नोट्स तुम चाहे यूट्यूब के अंदर जाके आकाश टॉक्स हिस्ट्री नोट्स सर्च करो, तुमको तुरंत ही सबसे पहले यार नोट्स मिल जाएगा। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा उस नोट्स का वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करना, या फिर तुम खुद भी यार सर्च कर सकते हो। एंड उधर जाके यार तुमको चैप्टर 1 से लेके 8 तक का एंड सिविक्स का फुल नोट्स मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये नोट्स पढ़ के कोई फायदा होगा यार? देखो ये क्वेश्चंस बहुत लोग करते हैं, तो मैं ये नोट्स लास्ट ईयर भी अपलोड किया था, मीन्स मैं ये नोट लास्ट ईयर ही अपलोड किया था। ठीक है, ट्रस्ट मी यार, ट्रस्ट मी, 95% क्वेश्चंस जो नोट्स मैंने यार प्रोवाइड किया था उधर से आ गया था इन योर आईसीएसई एग्जामिनेशंस। अगर मेरा बात में भरोसा नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ नए लोग आ रहे हो, देखो सब लोग मेरे बात को ट्रस्ट करते हो ऑब्वियसली आई नो, बट जो स्टूडेंट्स न्यूली आ रहे हो, तुम एक बार जाके जो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है उसको चेक करो,
या फिर लास्ट ईयर की जो वीडियो हमने अपलोड कर करके रखे हैं उसको जाके चेक करो। मीन स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है ना यार, इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है कि यार बोलने लायक नहीं है। ठीक है, ऐसा बेनिफिट तुमको कोई नहीं करेगा। ठीक है यार, फ्रेंकली स्पीकिंग सब लोग तुमसे पैसा लेगा, सिर्फ कुछ काम नहीं करेगा, मीन तुमसे तुमको कुछ नहीं देगा। मैं अपना पैसा लगा के यार, अपना मेहनत करके तुमको यार चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें से मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो फायदा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। ठीक है, जो भी है छोड़ो यार, बात समझ पा रहे हो ना यार मेरे बात को। सो राइट नाउ, अच्छा तुम्हारे टाइम में यार सिलेबस रिड्यूस हुआ है एंड सिलेबस फर्दर भी रिड्यूस हुआ है। ठीक है, दो बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है तुम्हारे टाइम में, तो ये एक तरीके से तुम्हारे यार एक एडवांटेज बन गया कि यार जितना सब कुछ बाकी सब स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है, बट तुमको उतना चीज पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि सिलेबस हैज बीन रिड्यूस। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट भैया आप तो हमेशा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट पोर्शंस बोल देते हो, तो ये कब बोलेंगे आप? मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट पोर्शंस टारगेट सीरीज जो हमारे हो रहे हैं उधर ही हम जाके, जो आज टारगेट सीरीज का थर्ड वीडियो है, जो इसके बाद वाले वीडियो आने वाला है हिस्ट्री सिविक्स के ऊपर, मैं उधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हाँ भैया वो वाला वीडियो अब जल्दी बनाइए, कमेंट करो। अगर ज्यादा लोग, जितने लोग कमेंट करोगे मैं उतनी जल्दी वीडियो को रिलीज करूंगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक्सक्लूडेड जो पोर्शंस है उसको भी यार तुम्हारे पास अभी हम बोल देंगे क्या क्या चीज, क्योंकि कुछ लोग ये भी डाउट है भैया क्या क्या एक्सक्लूड हुआ है वो सही से पता नहीं है। ठीक है, देखो यार सबको पता है, बट जिनको पता नहीं है मैं उस वीडियो के अंदर ही एकदम डिटेल से बात कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, बट राइट ना भैया करना क्या है, अभी बात होता है कि तुमको क्या करना है, अभी तुमको क्या करना होगा। अभी देखो फ्रेंकली स्पीकिंग पार्ट वन में 30 मार्क्स कंफर्म करना है, किसी भी हालत में हो जाए, जो भी हो जाए यार 30 वी विल कंफर्म फ्रॉम पार्ट वन। इसके लिए जो भी मेहनत करना है हम करेंगे। ठीक है, क्या करना है? पहले तो यार जो नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स तुम पढ़ो। ठीक है, तुम में से काफी सारे बच्चे बोलोगे भैया नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि तुम्हारे साल में यार आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों? तुम यार पैंडेमिक बैच हो एंड बहुत सारे पोर्शंस दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, बट उसको मुद्दे नजर पे रखते हुए कट दो यार। अगर तुम जेरॉक्स निकाल रहे हो उस नोट को, जेरॉक्स लेके यार उस सारे पोर्शंस पर कट कर दो। ठीक है, उसका कोई जरूरत नहीं है राइट नाउ। क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस है तुम जानते हो क्या क्या पोर्शंस है उसको पढ़ो। ठीक है, उस पोर्शंस को पढ़ो। एंड नंबर टू, लास्ट 10 इयर्स करो ओनली पार्ट वन, लास्ट 10 इयर्स के ओनली पार्ट वन करो, पार्ट टू करने का राइट नाउ कोई जरूरत नहीं है। क्यों? नेक्स्ट वाले जो वीडियो आने वाले हैं उधर मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा क्या करना है क्या नहीं है इन अवर पार्ट टू। एंड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। ठीक है भैया, टेस्ट पेपर कौन सा प्रैक्टिस करना है, कौन सी कंपनी का करना है? ठीक है, अगर जानना चाहते हो कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी कुछ अलग सा वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि मैं जितना चीज बोला, ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को मिला के इतना परसेंटेज आई होप सो तुम लोग स्कोर कर पाओगे अभी अभी ये वीडियो देखने के बाद, चाहे तुम किसी भी स्टूडेंट से, मतलब किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो। ठीक है, देखो यार मैं जनरली यार स्टूडेंट्स को कैटेगरीज नहीं करता हूं, सब स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, तुम हर एक बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो किसी ना किसी फील्ड में। ठीक है, बट फिर भी यार इतना सा चीज करने के बाद भी अगर तुम ये परसेंटेज अचीव नहीं कर दो करोगे तो मेरे को बुरा लगेगा। ठीक है, थोड़ा तुम्हारा मेहनत, थोड़ा मेरा मेहनत, दोनों का मेहनत मिला के एक अच्छा रिजल्ट, किसका? तुम्हारा। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो भी है तुम्हारा है, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। सो राइट नाउ, सिलेबस रिड्यूस प्लस फर्दर रिडक्शन, माय नोट्स क्या क्या बोला, चैप्टर वन से चैप्टर एट तक तुमको यार यूट्यूब के अंदर नोट्स मिल जाएगा, सिविक्स का भी यार नोट्स पूरा मिल जाएगा, चेक कर लो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट पोर्शंस नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उधर आने वाले हैं, डिटेल्स में यार आएगा। ठीक है, एक नहीं यार दो तीन वीडियो आ सकते हैं शायद, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट पोर्शंस लेके मेरे को एक्सप्लेन करना है, बात करना है, तो वीडियो यार तुम लोग देखते हो, इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो, फॉर देम अ बिग हर्ट फ्रॉम माय साइड टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है, अच्छा एक्सक्लूडेड पोर्शंस भी आएगा, बट राइट नाउ क्या करना है, अभी ये दो चीज तुमको करना है, आग बंद करके यार अपने सब कुछ भुला के स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये चीज स्टार्ट कर दो बस, और कुछ करने का तुमको जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि मैं जितने भी चीज बोला यार इस वीडियो के अंदर तुमको समझा पाया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी यार शेयर करना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, थैंक यू।